आप सबका मेरे चैनल में स्वागत है। तो आज हम लोग एक क्लिप बनाएंगे जो कि बहुत डिफरेंट होने वाली है और वो बनेगी पेपर क्विलिंग से। और मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ, आप हो? मैं तो वेट नहीं कर सकती, मैं तो जल्दी से शुरू करती हूँ। पहले मैं आपको इसके मटेरियल्स बता देती हूँ। आप गेस कर सकते हैं कि अगर हम लोग पेपर क्विलिंग का टेडी बेयर बना रहे हैं तो सबसे इम्पोर्टेंट क्या होगा? सबसे इम्पोर्टेंट पेपर क्विलिंग की स्ट्रिप्स और पेपर क्विलिंग की नीडल होगी, ये तो आपको पता ही होगा। मैं आपको बाकी मटेरियल्स बताती हूँ। इसके लिए हमें एक ब्लैक क्लिप, ब्लैक स्केच पेन, ग्लू और मोती चाहिए होगी। और ये कोई साधारण मोती नहीं है, ये स्पेशल मोती है, हाफ कटी हुई, ऊपर से राउंड नीचे से फ्लैट। अगर आप नॉर्मल मोती लगाओगे तो निकल जाएगी, लेकिन ये वाली मोती अच्छे से अटैच होती है। तो अब बनाते हैं टेडी बेयर क्लिप। इसके लिए हम दो पेपर क्विलिंग की ब्लू कलर की स्ट्रिप्स लेंगे और उन्हें चिपका देंगे अच्छे से ताकि ये लंबी हो जाए ऐसे। अब ये चिपक गई है तो हम इसे रोल कर देंगे निडल से। सो फ्रेंड्स, टेडी बेयर का फेस बनाने के लिए मैंने इसे गोल कर दिया है और चिपका भी दिया है निकालने से पहले। अब हम इसे निकालते हैं। टेडी बेयर का फेस रेडी है, अब हम इसके कान बनाएंगे। कान बनाने के लिए मैंने कुछ वाइट स्ट्रिप्स ली हुई है। सो फ्रेंड्स, कान बनाने के लिए पहले मैं इसे रोल कर लूँगी, क्योंकि सर्कल कान के लिए अच्छा नहीं लगता, इसके लिए फिर मैं उसे ट्रायंगल शेप का कर लूँगी। तो चलो पहले इसे गोल करती हूँ। तो फ्रेंड्स, अब मैं इसे गोल कर दिया है, अब इसे ट्रायंगल शेप में करते हैं। हम ऊपर से खींचेंगे और नीचे से दबाएंगे जिससे ये ट्रायंगल शेप का दिख रहा है। ऐसे मैंने एक और भी बना लिया है। अब हम इसे टेडी बेयर के मुंह पे चिपकाते हैं। अब कान को चिपका देते हैं। वाह, कान चिपकाने के बाद तो ये रियल टेडी बेयर लग रहा है। अब हम इसकी आईज बनाते हैं। आईज बनाने के लिए हमें कुछ स्पेशल मोती चाहिए रहेगी जो मैंने आपको दिखाई थी। फ्रेंड्स, अब मैंने टेडी बेयर की आईज भी चिपका लिए हैं और लिप्स भी बना लिए हैं और उसके कान में थोड़ा सा डेकोरेशन भी कर दिया है। अब हम उसे क्लिप में से चिपकाने से पहले उसके पीछे एक पेपर लगा लेंगे ताकि वो निकले नहीं। तो पहले हम टेडी बेयर को ट्रेस कर लेंगे अच्छे से। ये ट्रेस हो गया है, अब हम इसे काट लेते हैं। काटने के बाद अब हम इसे टेडी बेयर के पीछे चिपका लेते हैं। हमारा पेपर टेडी बेयर के पीछे चिपक गया है और अब हमारा क्यूट सा टेडी बेयर क्लिप में चिपकने के लिए रेडी है। तो चलो चिपकाते हैं। सो फ्रेंड्स, हमारा टेडी बेयर क्लिप रेडी हो गया है और ये देखो ये कितना सुंदर लग रहा है। सो फ्रेंड्स, आपको ये टेडी बेयर क्लिप कैसा लगा? कितना क्यूट सा और कितना प्यारा सा है। अब तो मैं बाहर से क्लिप खरीदूंगी नहीं, जब घर पे ही मैं इतना मस्त क्लिप बना सकती हूँ तो। और अब तो मैं अपने सारे ड्रेसेस के मैचिंग का क्लिप बना लूंगी। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।